हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मनप्रीत किचन एंड ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगी। तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी दम आलू की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी ये दम आलू बनते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, बल्कि रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी ये दम आलू की सब्ज़ी बनती है। तो इसे आप पूरी, परांठा या बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही जम्मी लगती है। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक वॉच करना, कोई स्टेप भी आप स्किप मत करना। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल बटन के साथ करना। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने आलू लिए हैं, जो मीडियम से भी थोड़े छोटे होते हैं वो ले सकते हैं, जब बेबी पोटैटो ले सकते हैं। तो ये तड़के के लिए लेंगे टमाटर, प्याज और ये अदरक वगैरह, और ये काजू ले लेंगे, और रूटीन के जो मसाले हैं वो जाएंगे। तो घर में पड़े हुए सामान से ही आप दम आलू की सब्ज़ी बहुत ही दमदार बना के दिखाऊंगी आपको। तो ये जो आलू है, इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, ये नए आलू हैं। तो इसको हमने साबुत ही इसको वॉश कर लेना है, क्योंकि हमने इनको बॉईल नहीं करना है। तो इसलिए इसको 3 से 4 बार अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए, उसके बाद हमने सारे आलू को छील लेना है। तो फ्रेंड्स, आलू जो हैं, जो बेबी पोटैटोज आते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, तो उनको तो छीलने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए आप ये मीडियम से थोड़े छोटे आलू आप चूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए, सारे आलू को अच्छी तरह से आपने छील लेना है, और छीलने के बाद भी आपने इसको 2-3 पानी से वॉश कर देना है, ताकि जो भी थोड़ी बहुत मिट्टी होगी वो भी निकल जाएगी, क्योंकि नए जो आलू होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो ये देखिए, हमने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अब जो है, हमने आलू को या तो आप फॉक की हेल्प से प्रिक कर सकते हैं, या फिर एक नाइफ़ की हेल्प से 6 से 7 जगह से आपने बड़ी केयरफुली ऐसे प्रिक करना है आलू को। और जब सारे आलू को प्रिक कर दिया, उसके बाद हमने इसको वॉश नहीं करना है, नहीं तो आलू जो है पानी जो है अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो हम जब फ्राई करेंगे तो ये तेल जो है चटकेगा, तो इसका ध्यान रखना आप। तो ये देखिए, मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है, आप जो भी अपनी पसंद का तेल है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आलू को हम डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने डीप फ्राई नहीं करना, मैंने ऐसे शैलो फ्राई करना है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो ये देखिए, हमने ऑयल गर्म हो चुका है हमारा, तो इसको जो हमने आलू है बड़े ध्यान से डालने हैं, और हाई फ्लेम पे आपने कंटिन्यू स्टिर करते हुए इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए, ऐसे फ्राई कर लेना है, 10 से 12 मिनट लगेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से आलू आपके फ्राई हो जाएंगे। देखिए, तो फ्रेंड्स, आप अगर टाइम थोड़ा कम है तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने जब प्रिक करने के बाद वॉश नहीं किया था आलू को, तो आलू बिल्कुल भी तेल नहीं चटक रहा है। तो नहीं तो उससे फिर थोड़ा डर होता है कि तेल कहीं हाथ में ना लग जाए ऐसे। तो ये देखिए, हमारे आलू एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए, जैसा हमें कलर चाहिए, एकदम परफेक्टली कलर आया है इसमें। तो इसको एक कंटेनर में हम निकाल लेंगे सारे आलू को, और ये जो ऑयल देखिए बहुत कम एब्जॉर्ब किया है, तो जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम निकाल लेंगे, और थोड़ा ऑयल इसमें रखेंगे तड़के के लिए। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा ही तेल लिया है, बस 2 चम्मच है। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे अदरक और हरी मिर्च, और जो रफली कट हमारा अनियन है वो डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसमें गार्लिक नहीं यूज़ कर रही हूँ, तो बिना गार्लिक के ही बनाएंगे इसको। तो इसको हमने हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, और इसमें जो हमने कैश्यू नट यूज़ करने हैं वो टुकड़ा वाले यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इकोनॉमिकल पड़ते हैं, क्योंकि हमने तो इनको ग्राइंड ही करना है, तो इसलिए आप टुकड़ा काजू यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, हमने फ्लेम हाई पे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना, कोई आपने इसका कलर चेंज नहीं ज़्यादा करना है, इसका बस ऐसे ही पिंक रखना है कलर एकदम। तो फ्राई हो चुके हैं, तो अब जो है 3 टमाटर मैंने लिए थे रफली कट अप करके, इसको आपने डाल देना है इसमें। कोई स्पाइसेस हमने अभी यूज़ नहीं करना है, और एकदम सॉफ्ट होने तक हमने टमाटो को फ्राई करना है। तो कर लेंगे ये सारा चीज़, और एक ढक्कन से ढक देंगे 2 मिनट के लिए। तो ये देखिए, पूरा अच्छे से हो गए हैं। तो इनको अभी हम गैस बंद कर देते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं, उसके बाद जो है हमने मिक्सर जार में डाल के इसको ग्राइंड करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो मैं इसको मिक्सर जार में डाल देती हूँ। अभी थोड़ा धुआं निकल रहा है, लेकिन अभी 5 मिनट के बाद इसको मैं ग्राइंड करूँगी। तो इस मसाले को ग्राइंड करने टाइम पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे वेट इंग्रेडिएंट है। तो देखिए, कितना अच्छा सा पेस्ट एक रेडी हो चुका है, और कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो यहाँ कुछ हम मसाले ले लेंगे, धनिया पाउडर, देगी मिर्च, जीरा पाउडर, काली मिर्च, नमक, हल्दी, और 2 लेंगे तेज़ पत्ते। तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो लाल मिर्च और डाल देना।
तो जो ऑयल हमने आलू फ्राई करने टाइम निकाला था उसके उसी ऑयल में हम तड़का लगाएंगे। तो मैं डाल रही हूँ इसमें 2 तेज पत्ते और जीरा डालूंगी। अगर आप थोड़े और ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हो तो इसमें आप बड़ी इलायची, थोड़ी सी लौंग, एक दालचीनी डाल सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा हेल्थ इशू के चलते मैं इतने स्पाइसेस नहीं खाती, अवॉइड करती हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो उसमें डाल सकते हो, फ्लेवर और ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। तो जो तड़के का हमने पेस्ट बना लिया था उसको फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तड़का तो हमने पहले से फ्राई किया हुआ, लेकिन दोबारा फ्राई करेंगे तो फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। तो इसको जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं होता है तब तक हमने फ्राई करना है। और चीज़ जो हम काजू का पेस्ट डाल देते हैं ग्रेवी में, उससे जो है सब्जी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है और जो ग्रेवी है उसकी थिकनेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो अगर आप काजू नहीं डालना चाहते हैं, थोड़ा महंगे तो है ही हैं, तो आप खरबूजे के बीज भी डाल सकते हैं, उससे भी फ्लेवर सेम आएगा। तो ये सारे स्पाइसेस हमने एक साथ ही डाल दिए हैं और इसको फ्राई करेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक कि इससे ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। तो देखिए कलर भी कितना बढ़िया आ चुका है हमारा। तो इसको ढक देते हैं थोड़ा सा, और ढकने के बाद इसको फिर देखते हैं 2 मिनट के बाद। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा प्यारा सा कलर आ चुका है इसमें। और ये सब्जी जो है बड़ी इकोनॉमिकल पड़ती है और बिल्कुल घर के सामान से ही आप बना सकते हैं। तो ये देखिए तड़के में ही आपने आलू डाल देने हैं, थोड़ा सा जो इसको तड़के में ही आपने फ्राई फिर से कर लेना है। तो देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। तो ग्रेवी आपने अपने हिसाब से डालनी है, अगर थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो पानी ज़्यादा डालना है, अगर आपने पूरी वगैरह के साथ सर्व करनी है तो ग्रेवी थोड़ी कम डालिए। मैं ये राइस के साथ सर्व करूँगी तो इसलिए ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा चाहिए। तो इसमें अब हम ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। तो जिस मिक्सी जार में मैंने मसाला ग्राइंड किया था तो उसमें काफ़ी मसाला अभी लगा हुआ था, तो उसी में मैंने 2 कप पानी डाले हैं और उसी पानी को मैंने ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, खाने की चीज़ को किसी को भी वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल अच्छी तरह से हर चीज़ यूज़ करनी है हमने। तो ये देखिए हमने अगर पूरी के साथ सर्व करना है ग्रेवी कम डालनी है, अगर आपने राइस के साथ सर्व करना है तो ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा चाहिए। तो मैं इसको राइस के साथ सर्व करूँगी इसलिए मुझे ग्रेवी ज़्यादा चाहिए, मैंने इसलिए पानी 2 कप डाला है। तो इसको 5 मिनट हम ढक के पकाएंगे और उसके बाद ये देखिए बहुत ही अच्छा सा एक कलर आ चुका है हमारी सब्जी का और इतनी ग्रेवी की थिकनेस जो है बिल्कुल परफेक्ट है। तो एक आलू को निकाल के दिखाती हूँ आपको और काट के दिखाती हूँ। तो 80% जो हमारी कुकिंग है आलू की वो फ्राई करने टाइम ही हो जाती है और 20% जो है आपके तड़के में और ग्रेवी में बन जाती है। तो ये देखिए कितने अंदर तक सॉफ्ट हैं ये आलू और बहुत कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो इसको बस 2 मिनट ढक के और पकाएंगे और उसके बाद जो है हमारी सब्जी तो रेडी हो ही चुकी है। तो देखिए ग्रेवी थोड़ी रेड्यूस हो गई है और अब इसमें ऐड करेंगे हम गरम मसाला। तो सिर्फ 1/2 चम्मच ही आपने गरम मसाला इसमें ऐड करना है। तो सब्जी की रिक्वायरमेंट तो आपकी अपनी फैमिली के हिसाब से, थोड़ी कम भी बना सकते हैं, ज़्यादा भी बना सकते हैं, है ना। तो होली आ रही है तो ये सब्जी ज़रूर ट्राई करना, मेहमानों को बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए इसके ऊपर डाल देते हैं हरा धनिया। तो हरा धनिया डालते ही देखिए कितना ज़्यादा प्यारा कलर आया है और जो चीज़ देखने में सुंदर लगती है और खाने में तो टेस्ट जो है उसका ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है। तो देखिए कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है ये सब्जी। तो बन चुकी है सब्जी, तो मैंने गैस बंद कर दिया, 10 मिनट के बाद इसको हम सर्व करेंगे। तो चलिए अब सर्व कर लेते हैं, प्लेटिंग कर लेते हैं इसकी। तो ये इसमें जो बाउल है इसमें सर्व करेंगे। तो देखिए कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है और कितना बहुत ही बढ़िया कलर आया है। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, इस रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन के साथ करना ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप स्किप ना कर सके। तो अभी जो त्यौहार आ रहे हैं उसमें अच्छा अच्छा खाना बनाइए और खाना भी ऐसा बनाइए जो इंस्टेंट बने, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और सबको पसंद भी आ जाए। तो अब हम इसमें एंडिंग में सर्व करने से पहले 1 चम्मच इसमें देसी घी का ऊपर से सर्व करेंगे। अगर आप टोटली ऑप्शनल है लेकिन डाल लोगे तो फ्लेवर और ज़्यादा एनहेंस हो जाता है, सब्जी पे शाइनिंग ही एक अलग आ जाती है और देसी घी का फ्लेवर तो खैर लाजवाब बना देता है हर सब्जी को। तो फ्रेंड्स अभी इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं और आते हैं एक और नई हेल्दी रेसिपी लेके। तब तक के लिए
बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंजॉय ऑल द फेस्टिवल्स एंड स्टे कनेक्टेड. बाय बाय.